kinematics of a curvilinear motion of a particle. If a body is moving of a curved path, यदि कोई body curved path पर motion कर रही है, किसी curve के ऊपर motion कर रही है, उस time जो study करते हैं हम, उसको हम क्या बोल देते हैं, kinematics of curvilinear. Kinematics का क्या meaning है वो हम पहले discuss कर चुके हैं, तो बार बार repeat करने की requirement नहीं है. ठीक है, तो हमें यहाँ पता होना चाहिए कि जनरली बॉडी कर्व्ड पाथ पर कब मोशन करती है. ठीक है, दिस इज अ बॉडी, दिस विल कर्व्ड के मींस क्या है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ पाथ, ये कोई पाथ है, हम इस बॉडी को इस पाथ के ऊपर मोशन करवाना है. अभी बॉडी यहाँ पर है, फिर बॉडी इसको यहाँ पर आना होगा, फिर इस बॉडी को यहाँ आना होगा. ठीक है, व्हेन यू अप्लाई अ फोर्स ऑन दिस बॉडी, यहाँ पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, व्हाट इज द टेंडेंसी ऑफ दिस बॉडी, the tendency of this body is moving in this direction. Again, if you are interested to move the body in downward, to hame kya karna hoga, hame force ko up downward apply karna hoga. Abhi otherwise body will be move, body tendency kya hai, straight move kar rahi hai, wo uske liye equilibrium condition hai. Direction change hona, theek hai, it means velocity change hona. Theek hai, velocity ke andar kya hota hai, speed plus direction dono hoti hai. डायरेक्शन चेंज के अगेंस्ट रेजिस्टेंस दिखाती है. हर एक बॉडी की एक टेंडेंसी है, न तो अपने स्पीड चेंज करना चाहती है, न अपने वो डायरेक्शन चेंज करना चाहती है. उसके हर एक मास की इनहेरेंट प्रॉपर्टीज है. ठीक है, मास जो है वो अपने न तो डायरेक्शन चेंज करना चाहता है और न ही वो स्पीड चेंज करना चाहता है. जब भी आपको चेंज करवाना है, यू अप्लाई द फोर्स, आपको एक्शन करना होगा मैग्नीट्यूड को चेंज करने के लिए और डायरेक्शन ऑफ स्पीड को चेंज करने के लिए. ठीक है, तो बॉडी की टेंडेंसी क्या, स्ट्रेट मूव करने के लिए, उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है मास की. हमें क्या करना होगा, डाउनवर्ड लाना है, तो हमें क्या करना होगा, एक डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई करना होगा बॉडी के ऊपर, तो बॉडी क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड आ जाएगी. लेकिन अब बॉडी टेंडेंसी क्या, इस डायरेक्शन में मूवमेंट करनी है, तो अब हमें क्या करना होगा, फर्दर फिर डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई करनी होगी, तब बॉडी क्या होगी, इधर डाउनवर्ड मूवमेंट करेगी. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जब लगातार फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो, कंडीशन में हमें क्या करना होगा, उस कंडीशन में बॉडी क्या होती है, कर्व्ड पाथ पर मूवमेंट करती है. जनरली द बॉडीज मूव ऑन ए कर्व्ड पाथ एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्सेज आर चेंजिंग, जब बॉडी की डायरेक्शन चेंज होती है. फॉर एग्जाम्पल्स, ठीक है, दिस इज ए कर्व्ड पाथ, ये दिस सर्कुलर पाथ, कोई सर्कुलर पाथ है, and this is your body, यहाँ पर आपकी body है. ठीक है, और आपको उस path पर continue move करना है, तो आपको क्या करना होगा, body की tendency किधर है, body की tendency है straight move करने की, तो आपको क्या करना होगा, इसके ऊपर force apply करना होगा, ताकि body क्या करे, downward movement करे. ठीक है, body यहाँ आ गई मान लीजिए, तो body की tendency किधर है, ऊपर जाने की है, लेकिन हमें तो body को क्या लेना है, इस पकर्ड path पर downward force apply की. ठीक है, अब body यहाँ पर आ गई फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, अब दिस बॉडी विल ट्राई टू मूव इन दिस डायरेक्शन, या बॉडी टेंडेंसी इस डायरेक्शन में मूवमेंट करने की है. ठीक है, मान लीजिए बॉडी आपकी यहाँ आ गई और आपको चाहिए कहाँ पर बॉडी, नीचे यहाँ पर चाहिए, तो आप क्या करोगे, इस पर फिर फोर्स अप्लाई करोगे डाउनवर्ड. ठीक है, तो बॉडी यहाँ पर आ गई आपकी अब. ठीक है, दिस इज ए बॉडी, अब बॉडी की टेंडेंसी किधर है, दिस बॉडी विल टेंडेंसी टू मूव इन दिस डायरेक्शन, स्ट्रेट स्ट्रेट मूवमेंट करने की टेंडेंसी है बॉडी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल से बॉडी एट दिस टाइम हियर, तो अगेन आपको क्या करना होगा, एक फोर्स अप्लाई करना होगा. ठीक है, दिस फोर्स विल बी पुश द बॉडी ऑन अगेन द कर्व्ड पाथ. तो कंटिन्यूअसली यदि कर्व्ड पाथ पर अपने बॉडी को रखना है, तो कंटिन्यूअसली वी अप्लाई द फोर्स, वी चेंज द डायरेक्शन. ठीक है, हमें लगातार क्या करनी होगी, डायरेक्शन को चेंज करने के लिए फोर्स अप्लाई करना होगा. और यहाँ पर देखो, ये दिस फोर्सेज ऑल द फोर्सेज आर एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर, सभी फोर्स किधर एक्ट कर रहे हैं, सेंटर की तरफ एक्ट कर रहे हैं, ऑल द फोर्सेज आर एक्ट टुवर्ड द सेंटर, सेंटर की तरफ एक्ट कर रहे हैं. ठीक है, इसलिए क्या होता है, हमें किसी भी बॉडी को सर्कुलर पाथ पर मोशन देने के लिए there is always a force which acts toward the center, और जो फोर्स होगा वहां एक्सेलरेशन भी होगा. ठीक है, the force are responsible for the acceleration, तो मतलब फोर्स एक्सेलरेशन भी होगा, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, आपका एक्सेलरेशन भी आ जाएगा. दैट इज एक्सेलरेशन ए, दैट इज एक्सेलरेशन ए, दैट इज एक्सेलरेशन ए, क्योंकि हर जगह हमने कॉन्स्टेंट फोर्सेज अप्लाई किए हैं, तो हर जगह में क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन भी मिलेगा. ठीक है, जब भी फोर्स होगा एक्सेलरेशन होगा, कि फोर्स की अगर वैल्यू जीरो है, जीरो स्टैटिक में है, और फोर्स की वैल्यू एग्जिट एक्ट कर रही है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी है वहां पर प्रेजेंट होगा. ठीक है, दैट इज द वन रीजन
कि फोर्स की डायरेक्शन ये चेंज होती जा रही है तो बॉडी कार्ड भी हर पाथ में मोशन कर रही है. सेकेंड इज योर बॉडी हैव सम इनिशियल वेलोसिटी. फॉर एग्जांपल द बॉडी इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन और उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी है ऑन द अर्थ. ठीक है, स्पेशली अर्थ के केस में. ठीक है, व्हेन दिस बॉडी इज मूविंग दिस द वेट ऑफ दिस बॉडी इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड. द बॉडी का वेट डायरेक्ट करेगा mg is always act in the downward direction. mg नीचे की तरफ एक्ट करेगा. द फोर्स एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, इसका मतलब क्या है mg जो फोर्स, इसका मतलब क्या हुआ. अब देखो दिस बॉडी इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन तो ठीक है, और इन द स्पेस ऑफ एयर हवा के अंदर देयर सम रेजिस्टेंस ऑफ एयर, इसका मतलब ये वेलोसिटी लगातार क्या होगी, चेंज होगी. दिस वेलोसिटी इज आल्सो गोइंग टू चेंज, ये भी चेंज होती जाएगी. तो दिस फोर्स, ये फोर्स है तो एक्सेलरेशन भी होगा. दिस फोर्स क्रिएट कर डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, ये फोर्स क्या करेगा डाउनवर्ड एक्सेलरेशन क्रिएट करेगा. ठीक है, तो क्या होता जाएगा, बॉडी इज नॉट मूविंग इन स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट पाथ में मूव नहीं करेगी बॉडी, लगातार क्या दी जाएगी डाउनवर्ड मूवमेंट की जाती जाएगी. लेकिन इस डायरेक्शन में भी फोर्स लगे हुए हैं बिकॉज दे आर सम एयर रेजिस्टेंस, और एयर रेजिस्टेंस का मतलब फोर्सेज आर एक्टिंग. तो दिस आर, इसका मतलब क्या है, इस डायरेक्शन में जो बॉडी मूव कर रही थी तो उसके अंदर भी क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन में चेंजमेंट आ रहा, उधर भी चेंज आ रहा है. तो पाथ क्या होता जाएगा आपका, कर्व्ड पाथ जनरेट हो जाएगा. क्या हो जाएगा, दो एक्सेलरेशन हो गए, एक एक्सेलरेशन डाउनवर्ड और एक वेलोसिटी के इधर चेंजमेंट आ रहा है उसकी वजह से एक्सेलरेशन, तो दैट विल बी ए कर्व्ड पाथ. ठीक है, द बॉडी इनिशियल वेलोसिटी सम डिफरेंट डायरेक्शन में है और पाथ में फोर्सेस की सम डिफरेंट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, तो बॉडी विल बी मूव इन ए कर्व्ड पाथ. Now move on the component of acceleration. For example, this is XY plane. जो भी problems है हमारी वो curvilinear plane के coplanar plane के अंदर मिलेंगे, एक ही plane के अंदर सभी body exist करेंगी. ठीक है, this is a XY plane. This is a path on which their body is moving. A path है जिस पर body move कर रही है. ठीक है, this is the acceleration of a body. ये हमारा कोई बॉडी का एक्सेलरेशन है. We divide the component of this acceleration, एक normal to that, one is tangent to the path, एक tangent to the path ले लिया, at, और एक क्या किया हमने इसके 90 डिग्री के ऊपर दूसरा कंपोनेंट डिवाइड कर दिया. ये जो कंपोनेंट्स हैं ये हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, a is the acceleration of a body. ठीक है, this is a is the acceleration of a body, और हमने क्या कर लिया इसके दो कंपोनेंट डिवाइड कर दिया अकॉर्डिंग अवर कन्वेंस. ठीक है, वन इज टेंजेंट टू द पाथ एट द पॉइंट एंड द सेकंड इज नॉर्मल टू द टेंजेंट एट द पॉइंट. ठीक है, तो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू वेक्टर एडिशन ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नॉर्मल एक्सेलरेशन. ठीक है, तो आपको ऑलरेडी मालूम है, इसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि प्लस वन से आप ऑलरेडी अवेयर हो कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ ए स्पीड. ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ ए स्पीड, स्पीड में चेंज आ रहा है, मींस मैग्नीट्यूड में वेलोसिटी के जो मैग्नीट्यूड है. ठीक है, वेलोसिटी के अंदर दो टर्म है, एक मैग्नीट्यूड एक डायरेक्शन है. तो मैग्नीट्यूड में जो चेंज आ रहा है फॉर दैट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज रिस्पॉन्सिबल. ठीक है, जो स्पीड में कम ज्यादा हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल कार इज, दिस इज रोड एंड कार, कर्व्ड रोड एंड कार इज मूविंग ऑन दिस, कार इस पर मोशन कर रही है. ठीक है, इफ यू आर चेंजिंग द स्पीड ऑफ ए कार, लगातार कार की स्पीड चेंज कर रहे हो 40, 50, 60, 70 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो जो उस जो स्पीड चेंज होने से एक्सेलरेशन आ रहा है, डायरेक्शन की वजह से नहीं, खाली मैग्नीट्यूड चेंज होने से, तो दैट इज फॉर दैट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल टू द रेट, द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड ऑफ ए पार्टिकल. And what is the direction of this? It is considered to be positive in the direction of tangent, coinciding with the sense of a motion. Okay, that what is the direction of a moving particle? Particle kis direction ke andar motion kar raha hai? Okay, for example, this particle is moving on this in this direction. Is direction mein move kar raha hai?
ये दैट इज अ पाथ ऑफ ए पार्टिकल, ये पाथ है पार्टिकल का मोशन करने का, यदि एट उसी डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है तो दैट इज पॉजिटिव, और यदि डिफरेंट एक्ट कर रहा है तो एट इज नेगेटिव, एक्सेस इज नेगेटिव। Now come on the normal acceleration. The normal acceleration is v square upon radius of a rotation. Normal acceleration of a particle is a point at a point is equal to the square of its speed divided by the radius of a curvature at that point, at the path at that point. For example, this is your curved path and this is your body. Is moving on that path. Yeah, the normal acceleration is responsible for changing that direction. An, जो normal acceleration है, जहाँ acceleration है वहाँ forces भी हैं, ठीक है? तो an at के parallel forces भी लिख सकते हो. That is the at. ठीक है? तो at इधर है तो ft किधर होगा? That is a force, ft, tangential force, and that is the normal force, fn, normal force. This force Ft are responsible for rate change of magnitude of a velocity, rate of change of a speed, and this Fn is responsible for changing the direction of a particle. Because जो particle हमारी body है उसकी tendency किधर है, straight move करने की है, तरफ में tangent दिखाया गया है, उस direction में movement करने की है, ठीक है? लेकिन हमें क्या करना है, लगातार इसकी direction को change करना है, ठीक है? जैसे part body यहाँ पहुंचेगी, अब ठीक है बॉडी को यहाँ रखने के लिए हमें इसके ऊपर से इस तरह से फोर्स अप्लाई करना होगा, जब बॉडी यहाँ पहुंचेगी तो हमें यहाँ से इस तरह से फोर्स अप्लाई करना होगा, एंड दैट इज ऑलवेज एक्टिव टुवर्ड द सेंटर ऑफ ए रेडियस ऑफ ए रोटेशन, ऑलवेज एक्टिव टुवर्ड द सेंटर ऑफ ए कर्वेचर ऑफ ए पाथ, उसकी सेंटर की तरफ ये क्या करता है, एक्ट करता है, ठीक है? तो दैट इज एफ एन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन। तो हम कैसे वैल्यू निकालते हैं इसकी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नॉर्मल एक्सेलरेशन, दैट इज वी स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ ए कर्वेचर ऑफ ए पाथ। द डायरेक्शन ऑफ ए नॉर्मल एक्सेलरेशन इज सच दैट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए कर्वेचर ऑफ ए पाथ, ठीक है? ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये किधर एक्ट करता है, उसकी तरफ एक्ट करता है। क्यों करता है वो भी मैंने आपको बता दिया, बिकॉज पार्टिकल टेंडेंसी इज टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है? जैसे अब कर्ड पाथ है ये, तो यहाँ पर जो भी बॉडी है, यहाँ पर जो भी बॉडी है उसकी टेंडेंसी किधर है, इट ट्राई टू स्टेट मूविंग स्ट्रेट पाथ, ठीक है? यदि आपको एक्शन चेंज करनी है तो हमें क्या करना होगा, जिस डायरेक्शन में आपको टर्न करना है इसको उसी डायरेक्शन में हमें क्या कर देंगे, फोर्स अप्लाई कर देंगे, ठीक है? तो यदि कोई कोई कर्व सर्कुलर पाथ है तो लगातार क्या हो रहा है, हर एक पॉइंट्स के ऊपर जो नेक्स्ट पॉइंट पोजीशंस है वो क्या उससे डिफरेंट है पिछले वाले पॉइंट से, ठीक है? यहाँ पर कोई पार्टिकल है, नेक्स्ट पार्टिकल पार्टिकल को यहाँ पर लेके जाना है, अब हमें क्या गया, फोर्स को इधर पुश किया, अब बॉडी आगे चलेगी तो फिर हमें फोर्स अप्लाई करना होगा डाउनवर्ड पुश करने के लिए, अदरवाइज द बॉडी विल बी इन अ स्ट्रेट लाइन, बॉडी कहाँ चली जाएगी, स्ट्रेट लाइन में मूव कर जाएगी, ठीक है? तो नॉर्मल एक्सेलरेशन को हम क्या बोल देते हैं, सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है एक्सेलरेशन की, ये सेंटर की तरफ एक्ट करती है। तो ए इज इक्वल टू नॉर्मल एक्सेलरेशन प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दोनों का वेक्टर एडिशन। यदि मैग्नीट्यूड निकालना है तो ए इज इक्वल अंडर द रूट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस नॉर्मल एक्सेलरेशन का स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ मोशन इन ए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, आप रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी लिख सकते हो। For example, that is a particle P. At this time, we divide the total acceleration into two component. Okay, we divide the let this is acceleration of this particle A. This particle ka acceleration kya hai? This is acceleration of this particle. We divide the component in x direction. We divide the component in y direction. Again, that is. Similarly, we divide the forces.
which are acting on the body. We divide all the forces which are acting in x direction. We divide all the forces which are acting in the y direction. You can write that